hello student welcome to our channel motion explain gseb bdc now in this video we are going to discuss the question answer of chapter 7 post independence india subject social science standard 9 gujarat board now the question is green revolution green revolution hai kya और ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में इसको इंक्लूड किया गया है साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में भी द आंसर इज इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड देयर वाज एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन एंड फूड ग्रेन वर इंपॉर्टेंट ऑन अ लार्ज स्केल जैसे ही इंडिया आज़ाद हुआ इंडिया के पास अनाज की बहुत ज़्यादा कमी हो गई अपने देश की जनता को खिलाने के लिए अनाज नहीं था जिसकी वजह से केंद्र सरकार को बहुत ही भारी मात्रा में दूसरे देशों से अनाज इम्पोर्ट करना पड़ा था The government of India decided to overcome this problem and achieving food self-sufficiency by मॉडर्नाइजेशन of agriculture. फिलहाल केंद्र सरकार ने यह decide किया कि वो अपनी इस problem को जड़ से उखाड़ fekenge और एग्रीकल्चर में अनाज के मामले में खुद पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट बन जाएंगे ताकि उन्हें दूसरे देशों के ऊपर डिपेंडेंट ना बन के रहना पड़े इसके तहत उन्होंने एग्रीकल्चर के अंदर मॉडर्नाइजेशन लेकर आए एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर बनाए न्यू प्रोडक्शन टेक्निक डेवलप करी डेवलपिंग हाई ईल्ड ऑफ वराइटीज ऑफ फूड ग्रेन उन्होंने फिर दूसरे दूसरे नए अनाज उगाना चालू किए उन्होंने डेवलपमेंट मीन और डेवलपिंग मीन ऑफ इरीगेशन सिंचाई करने के तरीकों को डेवलप किया एग्रीकल्चर फाइनेंस सेक्टर बनाए केमिकल फर्टिलाइजर डेवलप किया इम्प्लीमेंट्स खेती करने के सामान को उन्होंने मॉडर्नाइज किया और पेस्टिसाइड ये सारी जो ज़रूरी चीज़ें थी उन्हें एकदम सस्ते रेटों पे देना चालू कर दिया किसानों को द आउटकम ऑफ द पॉलिसी वॉज मैनीफोल्ड इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन अब ये सब जो चीज़ें राज्य से केंद्र सरकार ने जो उठाया था इसका बहुत ही जबरदस्त तरीके से असर देखने को मिला और फूड प्रोडक्शन बहुत ही जबरदस्त तरीके से बढ़ने लगा इसको देखते हुए बाय द एंड ऑफ द ईयर नाइनटीन सेवनटी टू जैसे ही उन्नीस सौ बहत्तर खत्म होने की तैयारी इंडिया हैड बिकम सेल्फ सफिशेंट इन फूड रिक्वायरमेंट इंडिया जो फूड रिक्वायरमेंट पे जो अनाज के मामले में पहले दूसरे देशों पे डिपेंडेंट रहता था अब वो पूरी तरीके से आज़ाद हो गया था दृश्य ट्रांसफॉर्मेशन इन द इंडियन एग्रीकल्चर डिस्क्राइब एज ग्रीन रेवोल्यूशन अब ये जो क्रांति आई थी खेती करने के पूरे तरीके को बदल डाला एडवांस कर डाला सरकार ने फाइनेंशियली मदद करी टेक्नोलॉजिकली मदद करी हर चीज़ से किसानों की मदद करना स्टार्ट किया और ये चीज़ जो ये जो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन था इसको ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन और जो डॉक्टर स्वामीनाथन थे ये पूरी तरीके से कह सकते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन उनका ही दिया उनके ही देन थी नाउ दिस क्वेश्चन एंड शोवर हियर इफ़ एनी वन हैविंग एनी डाउट एनी क्वेरी दे कैन कमेंट मी थैंक यू वेरी मच